ये देखे भाई, पहली बार मैंने मर्दान को ऐसा देखा है, मतलब ऐसा सीन मैंने पहली बार देखा है मर्दान में। क्या लग रहा है, वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, और उसके लिए मुझे पहले मर्दान अड्डे पे जाना पड़ेगा। और अड्डा भी कौन सा, अफरीदी अड्डा नाम है उसका। तो जब तक मैं वहाँ पे जाता हूँ, आप पहले मेरे सब्सक्राइबर्स देखें कितने हो गए। कितने सब्सक्राइबर्स? 100। 100 क्या होते हैं भैया, हमारे लिए बहुत है। अब 100 हो गए, 2 जीरोज आ गए हैं, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएंगे, फिर 1 जीरो 10000। और देखिए ना, 100 पे मैं कहाँ पे आ गया, दुबई पे मैं आ गया। 100 सब्सक्राइबर्स ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती, दुबई पे ला लिया आप हमें भाई। ये देखिए, तो भाई मैं दुबई से वापस जा रहा हूँ मर्दान अड्डे पे। वो पास में ही मर्दान अड्डा की जरूरत है, अरे निकला ये मौरत है, सपने सारे वो सच में। तो भाई मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी बिल्कुल खाली है। अभी कम से कम मुझे 15 मिनट तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और आगे पता नहीं है सवारियाँ कब आ जाए, गाड़ी कब भर जाए। तो चले इस गर्मी में कर लेते हैं इंतज़ार। लेकिन हाँ, जब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, आप एक और चीज़ देख ले मर्दान के लिए। ये देखें, मर्दान में एक बस स्टार्ट हो गई है फ्रॉम द पीपल ऑफ जापान और UNOPS की तरफ से, और ये लेडीज़ के लिए सिर्फ पीपल ऑफ जापान की तरफ से। ये देखिए, ये इसके बस स्टॉप्स हैं, लेडीज़ बस स्टॉप्स। अब गाड़ी निकल चुकी है और हम जा रहे हैं शवे अड्डा पे। रास्ते में एक दोस्त को भी उठा लेंगे, उसके लिए मैंने पहले से सीट बुक की हुई है। शवे अड्डा चौक पे पहुंच गए और यहाँ से मोहल्ला है। यहाँ से हम एक मोहल्ले पे जाएंगे, नाम क्या है? फैजाबाद मोहल्ला है यहाँ पे, वहाँ पे हम जाएंगे इसके साथ। हमें ये मुझे ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस इसके साथ आया हूँ, तो ये लेके जा रहा है, अब इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। गर्मी लगा। ये देखिए, ये पूरा शवे अड्डा चौक है। इनके साथ इनके गुजरे पे चलेंगे। ये भाई आते ही ये लोग हमें गन्ने का जूस पिला रहे हैं। हमने बहुत कहा इनको कि मत पिलाओ, आते ही इसने इन लोगों से खर्चे शुरू करवा दिए। लेकिन मेरे को स्वाबी के लोगों के यही अच्छी बात है कि ये लोग बड़े मेहमान नवाज है। ये रहे जूस आ गए, ये पी ले तो आप, ये गन्ने का जूस देख ले।
खाने का जूस पी लिया। अब हम जा रहे हैं इनके हुजरे पे इनके साथ। ये इनका हुजरा है, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत हुजरा है इनका। और इस मौसम में और भी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मुझे तो वापस जाने का डर है कि वापस कैसे जाएंगे। यहाँ पे ये मुझे किस लिए आया था अभी अभी मुझे पता चला। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे चारपाई की मरम्मत कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक इनकी चारपाई नहीं बनी। अब हम यहाँ पे, ये बिलाल ने हमें रोक लिया, हमें और ज़बरदस्ती रोक लिया यहाँ पे खाने खिलाने के लिए। तो क्या नाम है भाई इस होटल के? मदीना। अच्छा मदीना, हाँ मदीना होटल है और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। चलिए आपको ले जाते हैं मदीना पे। नीचे का बैठने की जगह यहाँ पे नीचे भी है और ऊपर भी है, एक तहखाना सा बनाया हुआ है। वापसी में हम कैसे जा रहे हैं वो अभी आप देख लेंगे। मेरी आवाज़ आप नहीं सुन सकते क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और लाइट भी नहीं है, इसलिए मेरी शक्ल भी आप नहीं देख सकते। लेकिन अब एक गाड़ी आ रही है, शायद आप मेरी शक्ल अब देख लें। हम खुली सुजुकी में जा रहे हैं, ये देखें।
boel verzaaien, zoete lach. Lach, 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 lach. Oh nee. Doe ik het goed?